आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और नमस्कार, मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी देख रहे हैं चुनावों के ताजा आंकड़े सिर्फ और सिर्फ सी न्यूज भारत पर। अभी 15 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जिन 48 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें यूपी की 9 विधानसभा सीटें और केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल की वायनाड से चुनावी मैदान में ही सीट का प्रतिनिधित्व पहले उनके भाई राहुल गांधी करते थे। उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए तो वहां मीरापुर, कुंदुरा की सीसामऊ, कटेरी, फूलपुर, मंझुआ, गाजियाबाद, करहर और खैर सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। इसके अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। सत्तारूढ़ झामुमो दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं एनडीए का कहना है कि सरकार उसकी बनेगी। झामुमो अगर फिर से जीत दर्ज करती है तो सत्ता में उसकी वापसी होगी। हालांकि सभी की नजरें आज के नतीजों पर है। झारखंड के सीएम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी सवाल बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतों की बात करें तो वहां की भी गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। लोगों की नजर महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति और सरकार में वापसी की कोशिश में जुटे महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के बीच मुकाबले पर है। 288 सीटों पर महाराष्ट्र में इस बार कुल 66% वोटिंग हुई है। इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवारी की थी। यानी कि देखा जाए तो महाराष्ट्र में ज्योति इस वक्त जो है काफी ज्यादा कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रिया, और इसी बीच में आपको रोकूंगी। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। वहीं एमवीए गठबंधन की बात करें तो वो 68 सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एमवीए गठबंधन की बात करें तो 68 सीटों पर वो आगे चल रहा है। इसी में प्रिया, अब हम अपनी चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति जो है वो सबसे आगे चल रही है, 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। यानी कि एक तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा वो काम आता दिख रहा है। प्रिया, बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति जो है बिल्कुल कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बहुमत की ओर बढ़ रही है, ये वाकई काफी देखना रोचक हो रहा है। क्योंकि देखिए वहां के लोग ये चीज जो है मुझे लगता है डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट की है उसके संजय राउत पहले ही आके बोल चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जनता का फैसला है। कुछ ना कुछ फैसले में गड़बड़ी जरूर नजर आ रही है। यानी कि जो रुझान देखने के बाद चाहे वो संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे गुट का कोई भी नेता हो, वो इस वक्त जो है इस बात को डाइजेस्ट करने में उसको बहुत दिक्कत महसूस हो रही होगी कि एक बार फिर से जो है बीजेपी और जो ये महायुति जो मतलब जो दूसरा गुट है शिवसेना का वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सीएम योगी का कटेंगे और बटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब रुझानों को देखते तो ऐसा लग रहा है कि गलत साबित होगा और कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ है वो महाराष्ट्र में छाने की ओर एक बार फिर से निकल चुके हैं। बिल्कुल प्रिया, और संजय राउत का भी रिएक्शन सामने आया, वो महाराष्ट्र के रुझानों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इन रुझानों में कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, ये जनता का फैसला नहीं है। तो ऐसे में ये भी बड़ी बात है कि जब विपक्ष जब रुझानों में पिछड़ता हुआ दिखता है तो वो फिर ईवीएम पर और रोना रोने लगता है, आरोप लगाता है कि नहीं ये जो रुझान आ रहे हैं, ये जो नतीजे आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी महायुति जो महाराष्ट्र में आगे चल रही है वो भी फूले नहीं समा रही है, क्योंकि महायुति के जो भी नारे थे, जो भी प्रत्याशी थे, खासकर शिंदे जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल यहां भी बना हुआ है कि अब अगर महाराष्ट्र में महायुति शाम तक इसके जो बढ़ते रुझान है वो अगर जीत में परिवर्तित हो
हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की सत्ता पर यानी कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उसमें बीजेपी जो है वो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हैं और सपा 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के भी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उपचुनावों के, वो भी बीजेपी को लेकर जो है काफी अच्छे रुझान आ रहे हैं और शाम तक ये पता चलेगा कि आखिर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में जो मेहनत की, जो प्रत्याशी उतारे, उनका नतीजा शाम तक क्या होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस सीट पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ चुनाव के बाद, यानी कि मीरापुर सीट पर, जहां पर दरोगा ने पिस्टल तानी थी, ज्योति, याद होगा आपको, बिल्कुल, जिस तरीके से बवाल हुआ वहां पर ये कहा जा रहा था कि जो है सपा को ना जीतने के लिए जो बीजेपी है वो षड्यंत्र रच रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मतदाताओं को बाहर आने से रोक रही है, वोट डालने से रोक रही है, यहां तक कि जो एसएचओ है वो पिस्टल तक तानते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं जो है इस चीज को लेकर बहुत बवाल खड़ा हुआ। सपा ने बहुत बड़े आरोप लगाए और बहुत निशाने पर आई बीजेपी, लेकिन उसी मीरापुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि सीट पर अभी और बवाल कितना होना बाकी है। सपा जो कह रही थी कि सीट पर आगे रहने के लिए ही बीजेपी ने पूरा षड्यंत्र रचा है, तो वहां बीजेपी आगे चल रही है और अब बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि अब अखिलेश यादव इस मुद्दे पर जो है क्या अगला कदम उठाते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, और अगर वाकई बीजेपी यहां से जीत गई तो और कौन से नए बवाल होने वाले हैं। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। और झारखंड की अगर हम बात करें प्रिया, तो झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन की पार्टी आगे चल रही है। हेमंत सोरेन ने जो वादे जो दावे जनता से किए, लग रहा है जनता ने उन दावों उन वादों पर अपना आशीर्वाद दिखाया है और जेएमएम लगातार आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो झारखंड में कहीं ना कहीं कुछ ही देर में अभी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर झारखंड में जेएमएम की सरकार बनती है प्रचंड जीत से बनती है या फिर बाजी पलट सकती है, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है प्रिया, अभी लगभग 11:30 का वक्त हो चुका है और ऐसे में अभी आधा दिन मान के चलिए पूरा बचा है, तो झारखंड की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो अब लगता है बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डबल सेंचुरी पार कर चुकी है महाराष्ट्र में युति। तो ये दोनों राज्य हैं, हालांकि तीनों राज्यों पे हर पार्टी ने अपने अपने स्तर पे काम किया है, लेकिन जिस तरह से दो राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाई और झारखंड में भी बीजेपी कांटे की टक्कर जो है कहीं ना कहीं देने की पूरी कोशिश कर रही है, और अब ये नतीजे शाम को साफ होंगे। लेकिन अब ऐसे में अब जो प्रत्याशियों ने, जो नेताओं ने नारे दिए थे चुनाव के दौरान, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जनता ने किस नारे पर अपना भरोसा ज्यादा जताया है। बिल्कुल, और अगर ज्योति महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति पर अभी फिलहाल अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी वहां बाजी मार ही जाएगी, लेकिन झारखंड में जैसा कि पहले भी मैंने बात बताई थी कि झारखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अभी जो रुझान है वो आगे भी ऐसी तरीके से बने रह सकते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासियों को बीजेपी ने नहीं टारगेट किया, पहली बात तो झारखंड में जो आदिवासी के प्रमुख चेहरे थे उन्होंने बीजेपी ने उनको अपने में शामिल किया, लेकिन जो स्टार कैंपेनिंग का हिस्सा बनाया वो अपने दूसरे राज्यों के मंत्रियों को बनाया, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंता हो, इन दोनों को जो है उन्होंने पूरी तरीके से झारखंड की कमान दे रखी थी, लेकिन वहां के जो प्रमुख आदिवासी चेहरे हैं जैसे चंपाई सोरेन जो जेएमएम से वापस आए बीजेपी में, तो उनको इतनी अहमियत नहीं दी गई, कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का नुकसान झारखंड में उठाना पड़ सकता है। वहीं बात अगर की जाए जेएमएम की, तो देखिए जो हेमंत सोरेन है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है इस मामले में, जो हेमंत सोरेन है वो बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं अपने आदिवासी समुदाय को, वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में उन्होंने जो मैया सम्मान योजना चलाने की बात करी हो या फिर डुगडुगी बजाकर अपने अलग अनोखे प्रचार की बात करी हो, उन्होंने हर तरीके से आदिवासियों को जो है एक बार फिर से अपने जो है विश्वास में लेने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं रुझानों में उसी बात का जो फैसला है वो सामने निकलता हुआ तक नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये विपक्ष को ये बोलने पर मजबूर कर रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान आया है, उनका कहना है कि जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। अब प्रिया, यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में जब विपक्षी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा में
अच्छी सीटें लाई। कांग्रेस जो कि पिछले काफी समय से पिछड़ी चल रही थी, ज्यादा प्रत्याशी जो है उसके नहीं जीत रहे थे, तो लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया तब ये क्यों नहीं बोला गया कि ईवीएम जब तक है तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। इसका मतलब तो ये साफ है कि अगर विपक्ष जीतेगा तो ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन अगर गलती से रुझानों में या फिर वाकई हारता है तो वो सीधे सीधे ईवीएम पर आरोप लगाने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर ईवीएम गलत है तो जब खुद जीतते हैं तब आरोप क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल सही बात है। देखिए, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। कभी कभी सही मायनों में आवाज उठाते तो कभी जब मुद्दा नहीं मिलता तो किसी भी बात को मुद्दा बनाते हैं। यही विपक्ष का कहीं ना कहीं काम है। ऐसा नहीं है कि जब ईवीएम से चुनाव नहीं होते थे तब जो है धोखाधड़ी के आरोप कभी नहीं लगाए गए। अभी ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है और जानिए कि ईवीएम अभी इतनी जल्दी चुनावों से जाने वाला भी नहीं है। जहां पहले से इस बात का अनुमान हो जाता है कि हार पास है, वहां ईवीएम का मुद्दा उठाना जरूरी है ये बताने के लिए। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो है वो खिलवाड़ कर रही है, वो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी कर रही है। एक विश्वास में जनता को लेने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। ईवीएम के मुद्दों को लेकर ना जाने कितनी रिसर्च हो चुकी है, कितना बार ये दावा किया जा चुका है, कितने बार इसके डेमो दिखाए जा चुके हैं कि हैक होने में इतना आसान नहीं है ईवीएम की। जिस तरीके से जो हर मतदान में हर केंद्र पर हर पोलिंग बूथ पर ये दावा कर दिया जाता है कि यहाँ मत जो है ईवीएम हैक हुई है या ईवीएम के साथ धोखाधड़ी है, इतना आसान नहीं है जितने आसान शब्दों में विपक्ष इसका इस्तेमाल करता है। और ये वाकई बड़ा सवाल है कि जहां जीतती है वहां ईवीएम का मुद्दा गायब हो जाता है। ईवीएम का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए और कुछ नहीं है। जनता का फैसला होता है, चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है, वही तय करती है कि किस राज्य में किसकी चुनाव बनेगी और किसकी सरकार बनेगी और कौन वाकई में बैठने के काबिल है। जनता वही फैसला कर रही है। महाराष्ट्र की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें या यूपी उपचुनाव की बात कर रहे हैं, सब जगह जनता का ही फैसला सामने आ रहा है। अगर बात इन सब की कर रहे हैं तो देखिए, लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है केरल में वायनाड सीट पर, उसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है। एक समय था जब ये कहा जा रहा था कि जब राहुल गांधी सांसदी का चुनाव जीते वायनाड से और रायबरेली से तो अब वो किस सीट को चुनेंगे। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से रायबरेली सीट को चुना और वायनाड को छोड़ा, कहा जा रहा था कि कांग्रेस से जनता नाराज हो जाएगी क्योंकि हमने तो राहुल गांधी के चेहरे के अनुसार वोट किया, उनको जिताया, अब उनके बदले किसी और को उतारा जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। क्या कहेंगी? बिल्कुल प्रिया, जिस हिसाब से प्रियंका गांधी को वायनाड की जनता भरपूर प्यार और समर्थन दे रही है, उससे तो यही लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने जो इन चुनावों से जो डेब्यू किया है उनका डेब्यू सुपर डुपर हिट होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन अभी तक दिख रहा है और बाकी अगर वो इतने बड़े अंतर से वायनाड से जीतती हैं तो ये कहना में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि चाहे राहुल गांधी जब थे वायनाड से चुनाव लड़े तो उनको भी जनता ने भरपूर प्यार दिया, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रियंका गांधी को भी वहां की जनता भरपूर प्यार दे रही है। और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पिछले कुछ समय में कितनी तेजी से बढ़ी है, वायनाड के चुनाव के नतीजे ये साफ जाहिर कर रहे हैं प्रिया। और वहीं दूसरी ओर प्रिया, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जीत की ओर लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये मान चुकी है कि 2 राज्यों में तो उसकी जीत बिल्कुल पक्की है, तो ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं। तो ऐसे में ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि देश के मुखिया इन 2 राज्यों में कहीं ना कहीं इन रुझानों को देखते हुए अपनी जीत को सुनिश्चित कर चुके हैं। क्या लगता है प्रिया, बीजेपी की ये जल्दबाजी है या फिर ये आत्मविश्वास है? देखिए, जो एग्जिट पोल आते हैं वो भी बहुत कुछ बयान करते हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स पर पूरी तरीके से विश्वास करना जरूर गलत होगा क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो हरियाणा को लेकर हो। अभी अगर हाल की बात करें तो हरियाणा में एग्जिट पोल बिल्कुल भी काम नहीं आया। इस तरीके से ये जो रुझान है वो सिर्फ रुझान ही मैं कहूँगी। जब तक मेरा मानना है कि शायद 2 बजे तक कुछ भी फैसले पर पहुँचना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि महाराष्ट्र में स्थिति काफ़ी कुछ हद तक साफ नजर आ रही है, लेकिन चाहे वो यूपी का उपचुनाव हो या फिर झारखंड का चुनाव हो
इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। हालांकि उत्साह वर्धन करने के लिए पीएम मोदी अक्सर ऐसा करते हुए नजर आए हैं। अगर चुनावों के इतिहास पर गौर करें तो वो अक्सर पहुंच रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, बड़ा मंत्री हो, वो उत्साह वर्धन के लिए जरूर पहुंचता है। पहले जताने लगता है कि हाँ जीत हमारी ही होगी, तो ये मैं मानूंगी केवल उत्साह वर्धन के लिए ही होगा। और साथ ही साथ केवल बीजेपी नहीं है, बाकी पार्टियों के और नेता मंत्री भी बाहर निकलते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं, भले वो जीत रहे हों या हारते हुए रुझानों में नजर आ रहे हों। जब तक नतीजे सामने नहीं आते तब तक जीत और हार का फैसला करना बिल्कुल भी किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां करहल विधानसभा से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को 11वें राउंड में 41,781 कुल मत मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव दूसरे नंबर पर हैं, साथ ही साथ मतगणना स्थल पर जिलाधिकारी मैनपुरी नजर आ रहे हैं। बता दें कि करहल विधानसभा से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को 11वें राउंड में 41,481 यानी माफ कीजिएगा 781 मत मिल चुके हैं। तो जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को करहल की जनता प्यार और समर्थन दे रही है, उससे लगता है कि सपा वहां पर निश्चित ही जीत हासिल करेगी। बीजेपी की अगर बात करें यूपी उपचुनाव में, तो ज्योति कुंद्रा की सीट पर भी जो है बीजेपी आगे चल रही। कुंद्रा की सीट की एक बहुत ही खास बात मैं बताती हूँ, ये कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से बीजेपी ने रामवीर को जो है मैदान में उतारा था और कहा, वो अक्सर उनका खास अंदाज नजर आया जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर, वो रामवीर होते हुए भी वो कई बार जो है सर पे टोपी डाले और वाइट कपड़े पहने हुए नजर आए। बिल्कुल उस अंदाज में जिस में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो मुस्लिमों के बीच पहुंचे, उस तरीके से उन्होंने उनके साथ कनेक्शन बैठाया, कहीं ना कहीं इस बात का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी को घेरा भी गया कि वो अपने जो हिंदू उम्मीदवार को जो है बिल्कुल मुस्लिम उम्मीदवार बनाकर लोगों के बीच में भेज रहे हैं, तो इस बात का फायदा कहीं ना कहीं कुंद्रा की सीट पर भी बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे ज्योति, जो इस तरीके से जो जातिवाद का मुद्दा सामने आता है, धर्म की राजनीति की जाती है, वो कहीं ना कहीं जो है क्या राजनीति में फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है। बिल्कुल प्रिया, ये तो समझने वाला विषय है कि जो आज के चुनाव जो हैं वो मुख्य मुद्दों से भटक चुके हैं और जातिवाद और धर्म पर आ चुके हैं, उसका फायदा कितना पार्टियों को और नेताओं को मिल रहा है ये रुझान साफ साफ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ समझने वाला विषय ये भी है कि कोई भी जीते कोई भी हारे, अगर जो जीतता है उसका ये फर्ज बनता है कि वो आने वाले समय में जनता से जो वादे किए हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारे, उन पर काम करे। लेकिन देखा जाता है ज्यादातर ये कि चुनाव जीतने के बाद हर नेता उन वादों को कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर समेट कर रख देता है और जमीनी स्तर पर वो वादे सिर्फ और सिर्फ वादे हवा हवाई ही साबित होते हैं। ऐसे में ये चुनाव आते हैं चले जाते हैं, हार होती है जीत होती है, लेकिन अब उन चुनावों को लेकर प्रत्याशी या फिर नेता किस हिसाब से आगे की रणनीति बनाते हैं, जीतने के बाद क्या कुछ प्लानिंग करते हैं और हारने के बाद उसकी उस हार का जो जिम्मा है वो किसको देते हैं, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प हो जाता है। वही महाराष्ट्र में प्रिया 215 सीटों पर जो महायुति है वो आगे चल रही है और एमबीए जो है वो 58 पर ही अटक गई है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस प्रकार से बढ़त बनाई है, वहां फिर मैं कहूंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बार बार इसलिए ले रही हूं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में जो रैलियां निर्धारित की गई थी, जितनी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की थी, जितनी सभाएं उनकी थी, उतनी ही सभाएं सीएम योगी की भी लगभग रखी गई थी। तो जो स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी महाराष्ट्र में दिखे और उसका फायदा जो महाराष्ट्र में मिल रहा है वो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको साफ समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में तो दिख ही रहा है, महाराष्ट्र में भी सीएम योगी के चेहरे को स्टार प्रचारक बना के उनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया है वो वाकई अब अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े हैं 288 सीटों पर महायुति 217 का आंकड़ा भी रुझानों में पार कर चुकी है, वहीं 58 के आसपास जो है एमबीए अटका हुआ है। तो ये आंकड़े तो भाई यही बता रहे हैं कि रुझानों में जो दिख रहा है वो आगे चल के सच साबित हो सकता है। 99%, बहुत कम अगर देखा जाए तो चुनावों के इतिहास पर गौर किया जाए तो बहुत कम होता है कि रुझानों में इस तरीके का आंकड़ा आया हो और वो दोपहर के बाद बदल गया हो, ऐसा बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। तो ऐसे में बहुत साफ
तौर पर जो है नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बनेगी और उसका श्रेय कहीं ना कहीं अगर 100% जो है सीएम योगी को नहीं दिया जाएगा तो कम से कम 50% के आसपास शेयर तो उनको जाना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर उनका जो नारा है वो हिट साबित हुआ हरियाणा की तरह, वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं झारखंड की अगर बात कर लूं तो झारखंड में 81 सीटों पर इस वक्त इंडिया गठबंधन, जो 81 सीटों पर जो जहां चुनाव हुए हैं उसमें 49 के पार जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है, और वहीं अगर एनडीए की बात करें तो वो सीट जो 30 सीटें हैं उस पर अटका हुआ है। यानी अगर झारखंड की स्थिति को भी समझा जाए तो यहां भी मुकाबला जो है कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन पार करती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है झारखंड में कि वो इस आंकड़े को बदल पाए, एक तरफ 49 और एक तरफ 30, आंकड़ा बड़ा है, कैसे पार होगा ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अरेगा, झारखंड से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास सामने आ रही है। झारखंड की सीसामऊ, माफ कीजिएगा, सिमरिया विधानसभा सीट पर तीसरे राउंड की काउंटिंग जारी है। झामुमो के मनोज चंद्रा 7,476 वोटों से आगे चल रहे हैं, साथ ही झामुमो के मनोज चंद्रा को 6,208 वोट मिले हैं। भाजपा के उज्जवल दास को 5,079 वोट मिले हैं और उज्जवल को अब तक कुल 12,133 व मनोज को 19,609 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां मनोज चंद्रा 7,476 वोटों से आगे हैं और मनोज चंद्रा 6,208 वोटों से। तो ये जो अंतर दिख रहा है वो ये बता रहा है कि नतीजे क्या हो सकते हैं। प्रिया, झारखंड में हेमंत सोरेन जो है वो दोबारा से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की जो लोकप्रियता है वो जनता में बरकरार दिख रही है, हालांकि उन पर आरोप लगे थे, वो जेल भी गए थे, अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन जनता का विश्वास उन पर अभी भी बराबर दिख रहा है जैसे पहले था। मुझे लगता है ये जो रुझान आ रहे हैं वो विश्वास को जो है वो डबल कर रहे हैं हेमंत सोरेन पर। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बोला कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है झारखंड, जहां आदिवासी अस्मिता की बात करी जाती है, जहां कहा जाता है कि आदिवासी जो है उनकी मिट्टी की देन है, आदिवासी जो है उनकी शान है, आन है, और हर कुछ जो है आदिवासी वोटों पर आकर सिमट जाता है। बीजेपी ने अच्छी कोशिश जरूर की है झारखंड में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान को उतार कर की हो या फिर हेमंता कुमार बिस्वा को उतार कर की हो, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो आदिवासियों को अपने पाले में लेने की कोशिश की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जमीनी नेता होता है वो बहुत कमाल कर सकता है, ना कि कोई बाहरी जो है नेता आकर। जिस तरीके से बीजेपी से बड़ी गलती हुई है कि उसने वहां के जो धरातल के नेता थे, जो वहां के ताकत थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल जरूर किया, लेकिन उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। जनता झारखंड में कंफ्यूज थी कि अगर हमने बीजेपी को जिता भी दिया, अगर हमने एनडीए को जिता भी दिया तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे राज्य के किसी बाहरी को लाकर बीजेपी वहां पर मुख्यमंत्री बना दे, एनडीए जो है वहां पर किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दे जो आदिवासियों से कनेक्शन ही ना रखता हो। वहीं हेमंत सोरेन के नाम पर जो है चुनाव लड़कर जेएमएम ने साबित कर दिया कि नेता तो ऐसा ही होना चाहिए जो आदिवासियों के लिए हर समय खड़ा रहता है, उनके लिए योजनाएं लेकर आता है। तो जो चेहरा होता है, देखिए मुख्यमंत्री का, वो बहुत मायने रखता है किसी भी चुनाव में। आप खुद सोचिए, हम या आप या कोई भी वोट देने जाता है, उसके जहन में एक चेहरा जरूर होता है। वो चेहरा ये बताता है कि आप वोट दे रहे हैं तो आपका प्रतिनिधि कौन बनेगा, जिसे आप वोट दे रहे हैं तो आपका नेता कौन बनेगा। तो बीजेपी ने जो झारखंड में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ने का फैसला किया, कहीं ना कहीं झारखंड में इस वक्त बीजेपी को वही भारी पड़ रहा है। बिल्कुल प्रिया, और एक और बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त सामने आ रही है। हजारीबाग विधानसभा में 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। प्रदीप प्रसाद जो बीजेपी से हैं उनको 20,647 मत और मुन्ना सिंह आईएनसी 17,552 मत मिले हैं। वहीं 4 राउंड में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद 3,095 वोटों से आगे हैं। तो झारखंड में ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि बीजेपी कुछ सीटों पर तो जीत रही है, लेकिन जो बढ़त है वो लगातार हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि जेएमएम की पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। प्रदीप प्रसाद को 20,647 मत मिल चुके हैं और 4 राउंड की जो काउंटिंग है उसमें भाजपा प्रत्याशी 3,095 वोटों से आगे हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है कि कुछ सीटों पर तो बीजेपी बिल्कुल बढ़त बनाएगी, लेकिन कुछ सीटें जो मुख्य सीटें हैं वहां पर जेएमएम लगातार आगे चल रही है। हालांकि ये रुझान है, हो सकता है बाजी पलट जाए, हो सकता है रुझान बदल जाए, लेकिन फिर भी अब जो समय हो रहा है उससे ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा अंतर नहीं आने वाला,
जैसे कि महाराष्ट्र में हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा अंतर आने की उम्मीद जो है वो कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है, काफी बड़ा आंकड़ा पार किया है, और एनडीए काफी पीछे चल रही है। तो इस अंतर को जो है मैच करना, इस अंतर को काटे की टक्कर देना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असंभव तो जरूर लग रहा है, लेकिन फिर भी ये चुनाव है, ये नतीजे हैं और अभी काउंटिंग लगातार हो ही रही है और शाम तक जो है नतीजे बदलने वाले हैं या फिर यही रहने वाले हैं, ये देखना बाकी काफी दिलचस्प है प्रिया। और जिस प्रकार से आज काउंटिंग हो रही है और सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ही अटकी है, तो ऐसे में ये आंकड़े वाकई जनता के दिल को भी काफी सोचने पर और थोड़ा सा संतोष करने पर मजबूर कर रहे हैं कि जनता ने जिसको अपना आशीर्वाद दिया, जिसको अपना समर्थन दिया, क्या वाकई वो जीत रहा है या वो हार की ओर अपना जो है कदम लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। घूम फिर के फिर हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, झारखंड की कर रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो सीएम योगी और अखिलेश की जो साख दांव पर थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश और सीएम योगी की साख दांव पर है, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष ये कह रहा था लोकसभा चुनाव में कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारती है तो सीएम योगी को उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनकी काउंटिंग हो रही है, इसमें भी ये विपक्ष लगातार ये इस बात को हवा दे रहा था कि अगर उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो सीएम योगी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या लगता है प्रिया, विपक्ष जो लगातार इस बात को हवा दे रहा है लेकिन सीएम योगी को ही बेस बनाकर, आधार बनाकर बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वहां पे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, तो ये विपक्ष की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है जो वो सीएम योगी पर निशाना साध रहा है? सीएम योगी बीजेपी के एक मैं कहूंगी कि एक ताकतवर नेता के रूप में ही वो जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्यशैली, उनके जो एक्शन प्लान होते हैं, जो भी जो है फैसले होते हैं वो जनता उन पर भरोसा जताती है, तो जनता का जो विश्वास सीएम योगी पर है वो साफ दिख रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को इतनी हवा क्यों दे रहा है? देखिए सीएम योगी के लिए इस वक्त बहुत अच्छी बात जो है, जो मुझे लगता है जनता सोच रही होगी, आपने सुना होगा कि जो जख्मी शेर होता है वो और भी ज्यादा जो है हमलावर हो जाता है, और भी ज्यादा उसमें जोश आ जाता है। सीएम योगी के साथ कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीएम योगी का जो पिच, जो सीएम योगी का आंकड़ा था जीत का, वो जहां उनके पक्ष में नहीं आया वो एकदम अलर्ट हो गए। वो भले उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए काफी ज्यादा अफसोस में आए हो, कुछ टाइम के लिए उन्होंने सोचने पर अपना लगाया हो ज्यादा समय कि आखिर क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उतनी अच्छी जीत नहीं मिल पाई जितनी अच्छी जीत का अनुमान था। सीएम योगी लोकसभा चुनाव में हमेशा ये कहते नजर आए कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर यूपी में बीजेपी का ही झंडा लहराने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जो है समझ गए थे कि ये समय जो है बहुत अलर्ट हो जाने का समय है, ये समय है एक बार फिर से विकराल रूप में आने का। और फिर सीएम योगी जो फिर से खड़े हुए तो उन्होंने हरियाणा की जीत में भी अपना भरपूर योगदान दिया, महाराष्ट्र की जीत में भी दे रहे हैं, और तो वहीं अगर बात यूपी की करें तो यूपी में वो कैसे पीछे हो सकते थे। इस विधानसभा के उपचुनाव में सीएम योगी ने अपना पूरा 100% देने की कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की होगी, जिसका असर भी जो है मुझे लग रहा है रुझानों में नजर आ रहा है। रही बात विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के खेमे को कमजोर करने की कोशिश करता है, अक्सर सीएम योगी को लेकर जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। सीएम योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ये बात कह के जनता का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस वक्त यूपी में सीएम योगी से बेहतर चेहरा बीजेपी को मिलना मुश्किल है, तो इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि बीच जो है सत्र में जो है सीएम योगी को सीएम पद से हटा दिया जाए। लेकिन ब्रेन वॉश जनता का इसलिए किया जाता है कि ताकि वोटिंग से पहले अगर जनता रुख बदले, अगर जनता के मन में डाउट आ जाए कि इस तरीके की चीजें होंगी तो जनता दूसरी पार्टी की ओर रुख कर सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भटकाने के तरीके होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन रही बात नतीजों की, तो आज के नतीजे बहुत कुछ साबित कर देंगे 2027 को में कैसी स्थिति होगी बीजेपी और सपा की, ये इस बात का आज प्रमाण मिल जाएगा।
100% नहीं तो कम से कम 70% तक हम आंक सकते हैं कि 2027 में बीजेपी और सपा की क्या कंडीशन होगी। बिल्कुल, और इस वक्त एक और बड़ी खबर गिरिडीह से सामने आ रही है। गिरिडीह में चौथे राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जारी है और बगोदर भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र महतो 3728 वोटों से आगे चल रहे हैं। नागेंद्र महतो को 22489 वोट मिले हैं, विनोद कुमार सिंह को 18761 वोट मिले हैं। जी हाँ, बगोदर भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र महतो को 3728 वोट से वो आगे हैं। नागेंद्र महतो को 22489 वोट मिले हैं और विनोद कुमार सिंह को 18761 जो है वोट मिले हैं। गिरिडीह में चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और झारखंड में जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मन में, जो आदिवासी जनता थी, जो आदिवासी एक समुदाय है, वो कहीं ना कहीं उसके मन में संतोष जरूर जगा रहा है। जिसने जेएमएम पर अपना, जिस भी आम आदमी ने, जिस भी आदिवासी समुदाय ने जो है जेएमएम पर अपना समर्थन जताया है, उसके मन में कहीं ना कहीं अब संतोष होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जेएमएम लगातार बढ़त बनाए हैं। लेकिन अब ये जो रुझान आ रहे हैं ये कैसे बदलते हैं और कैसे जो है नतीजों में परिवर्तित होते हैं ये भी साफ हो जाएगा। और लगातार जहां महाराष्ट्र में जो है काफी ज्यादा खुशी जाहिर की जा रही है, जो महायुति है वो लगातार जो है मिठाइयां बांटना शुरू कर चुकी है और एक दूसरे को जो है शुभकामना दे रही है जीत की, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जो बढ़ते रुझान हैं वो नतीजों में बिल्कुल परिवर्तित हो जाएंगे। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है, सियासी हलचल तेज हो गई है, वो भी ये बता रही है कि महाराष्ट्र के जो बढ़ते रुझान हैं वो अब महायुति को एक प्रचंड जीत की ओर आगे ले जा रहे हैं। वहीं झारखंड में अगर बात करूं तो फिर से वही आंकड़े हैं जो पहले थे। महाराष्ट्र में जहां झारखंड में 81 सीटों पर 49 पर जेएमएम आगे चल रही थी, उसने बढ़त बना ली लगभग 50 और 51 के आसपास जेएमएम, यानी कि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आगे चल रहा है। तो वहीं जो एनडीए गठबंधन है वो 30 सीटों पर ही अटका हुआ है, जहां दूसरी ओर सीटें बढ़ रही हैं वहीं जो एनडीए की सीटें हैं वो एक जगह स्टक हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि एक घंटे में महाराष्ट्र की तरह झारखंड की रुझानों की स्थिति भी बहुत साफ तौर पर जाहिर कर देगी कि आखिर किसकी सरकार झारखंड में बनेगी, झारखंड के सीएम पद किसको मिलेगा। ये सारी चीजें जो हैं बहुत साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे तो ज्योति बता दूं कि महाराष्ट्र में जहां जीत की ओर जो है एनडीए नजर आ रहा, महायुति जो है वो नजर आ रही है महाराष्ट्र में, तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस का नाम शिंदे से पहले भी लिया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। बिल्कुल, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जो हलचल है वो बता रही है कि सीएम नाम को लेकर जो हलचल है वो वाकई अब कौन आगे होगा, देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आ रहा है तो कौन सीएम बनेगा ये जनता के मन में और हर उस नेता के मन में सवाल बनता नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर अंबेडकर नगर चुनावों से लेकर हमारे पास सामने आ रही है। अंबेडकर नगर में कटहरी विधानसभा में काउंटिंग के 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, सपा को 21,316 वोट मिले हैं, बीजेपी को 18,042 वोट मिले हैं। सपा 3,273 वोटों से आगे चल रही है। जी हाँ, सपा को 21,316 वोट मिले हैं और बीजेपी को 18,042 वोट मिले हैं। अंबेडकर नगर में जो 7 राउंड की कटहरी विधानसभा सीट पर 7 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है और जिस प्रकार से सपा अभी भी बढ़त बनाए हैं, काफी बड़ा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी बढ़त बनाए हुए हैं, तो ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिन 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है वहां वाकई अब वो जीत की ओर आगे बढ़ती है या फिर आने वाले कुछ ही समय में बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि 6 सीटें तो बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन 3 सीटों पर जो है सपा ने बढ़त बनाई है। लेकिन अब एक आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं प्रिया, मैं 6 सीटों को बीजेपी की बढ़त अभी बताई है लेकिन अब बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त हो गई है और सपा सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बनाए है। तो अखिलेश यादव का जो 27 में सत्ताधीश वाला पोस्टर वॉर था, 2027 के महानायक का पोस्टर वॉर था, वो कहीं ना कहीं अब धुंधला सा होता हुआ नजर आ रहा है। इन सर्दियों के मौसम में, इस धुंध में अखिलेश का पोस्टर वॉर अब कहीं ना कहीं धुंध में छुपता हुआ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। सीएम योगी के जो नारे थे बटेंगे कटेंगे,
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी हिंदुत्व की जो राजनीति थी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे किया, थोड़ा उसमें सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा चुनावों के जो नतीजे देखे उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया थे, जो भी मेन मेन नेता थे, उनको ये कहीं ना कहीं समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन आधार है वो हिंदुत्व की राजनीति का आधार ही कहीं ना कहीं लगता है। और अब जो ये चुनाव के नतीजे हैं इसमें जो नारे दिए गए हिंदुत्व को अपना आधार बना के अपना बेस बना के, वो इन नतीजों पर साफ दिख रहे हैं। आम जनता जो हिंदुत्व के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखती है वो ये नतीजे साफ दिखा रहे हैं प्रिया। और अखिलेश यादव ने जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं अब सिर धुंधले नजर आ रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसमें अखिलेश यादव की जो बातें थी, जो जीत की ओर उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस में बोला था, वो कहीं ना कहीं अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव अब इस अगर ये रुझान हार में परिवर्तित हो जाते हैं उनकी और बीजेपी के लिए जीत निश्चित कर देते हैं तो अखिलेश यादव अब निश्चित तौर पर ईवीएम को तो कोसेंगे और किस पर आरोप लगाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। देखिए अखिलेश यादव एक समय था जब जब उनका डंका जो है बजता था सियासत में, लेकिन अब जब से 2017 की बात कर लें, जब से सीएम योगी का चेहरा सामने आया है तब से जनता का रुख यूपी में बहुत कुछ बदल चुका है। जिस तरीके से उन्होंने काम किए, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के चेहरे को आगे किया, ये जो है बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर बीजेपी के लिए सामने निकल कर आया। रही बात सपा के लिए तो सपा के पे भी जनता जानती है, कई बार इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती है कि सपा जो है वो वोटों की राजनीति करती है। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है वहां पर अखिलेश यादव की बात कर ली जाए या फिर जो कितने भी वरिष्ठ नेता सपा के रहे हो वो वहां पहुंच जाते थे उसी गेटअप में उस तरीके से, तो ये सारी चीजें बहुत पहले से आरोप जो है उन पर लगते हुए आए हैं। कुंद्रा की विधानसभा में वही जो गेम प्लान है कहीं ना कहीं बीजेपी ने खेलने की कोशिश की और उसको वहां पर फायदा भी मिलता जो है नजर आ रहा है। पोस्टर बार में तो देखिए कभी अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर अगर नजर डालेंगे तो कई ऐसे पोस्टर हैं जहां पर उन्हें भावी प्रधानमंत्री तक बताया गया है। यहां तक कि उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव को भी जो है भावी मुख्यमंत्री बताया जाता है। तो ये पोस्टर वार जो है ये चलता रहता है। हालांकि अखिलेश यादव अगर ये यूपी का जो उपचुनाव है हार जाते हैं तो उनके पास कई बड़े मुद्दे होंगे इस बार उठाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अपराध पर जो है वो काफी ज्यादा मुखर रहते हैं, अगर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी गौर किया जाए समाजवादी पार्टी के, तो वो रोज एक शेड्यूल्ड न्यूज़पेपर का जो है निकालते हैं जहां पर वो अपराधों को सीधे तौर पर टारगेट करते हैं, जहां वो कई बड़े मुद्दों को लेकर जो है सामने आते हैं। झांसी में अभी बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया कि झांसी में जिस तरीके से नवजात बच्चों की मौत हो गई, कि कितना बड़ा लापरवाही का मुद्दा था। स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे देश का हिलकर जो है वो जो बहुत ज्यादा रो रहा था कि आखिर क्या हो गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लापरवाही का बहुत बड़ा इल्जाम जो है बीजेपी सरकार, साथ ही साथ प्रशासन और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य विभाग पर लगा है। इसी मुद्दे के जैसे ना जाने कितने मुद्दे इस वक्त यूपी में हैं जो हावी रह सकते हैं। रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम पर भले अखिलेश यादव बहुत ज्यादा प्रहार ना करते नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा मोटिव इस बार सवाल का रहेगा वो यही होगा कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुए। यहां तक कि आप ये सोचिए कि अखिलेश यादव के जो चाचा हैं और जो सपा के बहुत ज्यादा जो है खास रहे हैं, जो सपा की बहुत सूत्रधार रहे शिवपाल यादव, उन्होंने भी जो है ये आरोप लगाए हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं। उन्होंने तो यहां तक मांग कर डाली कि नौ की नौ उपचुनाव की जो सीटें हैं उन पर दोबारा से चुनाव कराया जाए। बिल्कुल प्रिया, और ये नतीजे बताएंगे कि आखिर अब क्या होने वाला है आगे आने वाले कुछ ही समय में। गांडे विधानसभा से एक और बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त सामने आ रही है। गांडे विधानसभा चुनाव के चौथे राउंड की गिनती के बाद झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन 3019 मतों से पीछे चल रही हैं। उनको कुल 18,940 वोट मिले हैं। जी हाँ, कल्पना मुर्मू सोरेन 3019 मतों से पीछे चल रही हैं। उनको कुल 18,940 वोट मिले हैं। कल्पना सोरेन की जो लोकप्रियता थी वो
कहीं ना कहीं ये इस बात को निश्चित कर रही थी कि शायद वो जीत की ओर अपनी बढ़त बनाएंगी, लेकिन कल्पना सोरेन लगातार मतों से पीछे चल रही हैं, कभी 5,000 मतों से, कभी 3,000 मतों से, लेकिन अब पहले 5,000 मतों से थी, अब 3,000 मतों से हैं, तो हो सकता है आंकड़ा बदल जाए। जैसे कि हेमंत सोरेन पर लोग अपना आशीर्वाद और विश्वास जता रहे हैं, हो सकता है कल्पना सोरेन पर भी अपना विश्वास जताएं और ये आंकड़े बदल जाए। हालांकि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रुझान भी बदल रहे हैं और आंकड़े भी बदल रहे हैं और लोगों की कहीं ना कहीं जीत भी निश्चित हो रही है। तो सी न्यूज भारत पर आप ये आंकड़े जो लगातार बदल रहे हैं उन पर अपनी नजरें टिकाए रहिए। क्या कुछ आंकड़े और बदल रहे हैं, क्या कुछ रुझानों में किसको बढ़त मिल रही है, वो आपको देखने को मिलेगा सी न्यूज भारत पर। सी न्यूज भारत लगातार इन आंकड़ों को पूरी पारदर्शिता आपके पूरी पारदर्शिता के साथ आपके सामने रख रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास हजारीबाग विधानसभा से सामने आ रही है, जहां 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी के प्रदीप प्रसाद को 27,263 वोट मिले हैं, कांग्रेस के मुन्ना सिंह को 23,394 वोट मिले हैं और पांचवें राउंड में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद को 3,876 वोट से वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदीप प्रसाद को 27,263, कांग्रेस के मुन्ना सिंह को 23,394 और भाजपा प्रत्याशी 3,876 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो हजारीबाग की जो सीट है वहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल ये भी है कि झारखंड की जिन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है वहां लगातार आगे चलती नजर आ रही है, तो ऐसे में अब ये सोचना काफी दिलचस्प हो जाता है, काफी अहम हो जाता है कि जिन सीटों पर बीजेपी जीत रही है वहां पर क्या कुछ अब और देखने को मिलेगा और जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत रही है बीजेपी अपना हार का जिम्मा किसको देगी, बीजेपी अपनी हार को लेकर किसको बोलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी हार का जिम्मा ईवीएम को दे रहा है, अपनी हार का जिम्मा किसी पक्ष के किसी नेता को बता रहा है या जिसको भी अपने पार्टी के ही किसी नेता को बता रहा है, लेकिन ये भी अहम सवाल है कि जब बीजेपी जो इस वक्त सत्ता पक्ष में है वो जिन सीटों पर हारती है वो इसका जिम्मा किसको देती है। प्रिया ये भी सवाल है क्योंकि अगर हम विपक्ष बोल रहे हैं तो पक्ष को भी। महाराष्ट्र से भी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां तक कहा जा रहा था कि महायुति और एमवीए के बीच में जो है टक्कर है वहां बीजेपी बहुत बाजी मार रही है। महायुति आगे चल रही है लेकिन उसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ही अकेले 128 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर शिवसेना की बात की जाए शिंदे गुट की, तो उसने 56 सीटों पर बढ़त बनाई है, एनसीपी ने 38 सीटों पर और जो अन्य है वो अलग एक सीट पर है। वहीं अगर बात कर ले एमवीए की, तो वहां पर जो यूबीटी शिवसेना है वो 18 सीटों पर आगे है, एनसीपी जो शरद पवार वाली है वो 14 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 17 सीटों पर, अन्य 3 सीटों पर। यानी कि कहा जा सकता है कि महायुति की जो प्रचंड बहुमत है उसका श्रेय सीधे सीधे अगर इस गठबंधन में सबसे ज्यादा किसी पार्टी को जाएगा तो वो बीजेपी को जाएगा। वहीं जो एमवीए है वो ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहा है, खास बात शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना के दो जो है अलग अलग गुट है, एक शिंदे गुट और एक जो उद्धव ठाकरे का गुट है। एक समय था जब उद्धव ठाकरे के नाम से जो है महाराष्ट्र में जो है जो ठाकरे परिवार है उसका बहुत ज्यादा एक प्रभाव था, ठाकरे समाज जो परिवार था, लेकिन बिल्कुल। और एक और प्रिया मैं आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में महायुति 215 सीटों पर आगे है, एमवीए 58 सीटों पर अटक गई है और आज शाम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं और सूत्रों का यह भी दावा है कि महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में फडणवीस का नाम आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है, तो सीएम के नाम को लेकर जो रेस चल रही है उसमें फडणवीस का नाम आगे है। तो अब ये आगे समय में पता चलेगा कि आखिर अब अगर महाराष्ट्र में महायुति प्रचंड जीत अपनी निश्चित कर लेती है, शाम तक यही जीत बरकरार रहती है, तो सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा होगी जिसमें फडणवीस आगे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अंतिम समय तक अपने उन पत्तों को नहीं खोलती है जिन पत्तों को वो सिर्फ और सिर्फ उसी समय पर दिखाना चाहती है। नाम हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं, लेकिन अब ये नाम सीएम के नाम पर ही निश्चित होते हैं या फिर नाम में परिवर्तन होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आप इन आंकड़ों के ताजा अपडेट को देखने के लिए कहीं जाइए मत, जुड़े रहिए हमारे साथ और सिर्फ देखते रहिए सी न्यूज भारत। चुनाव की मतगणना जारी है और चतरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहले राउंड की गिनती के बाद राजद की रश्मि प्रकाश
988 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के जनार्दन पासवान को 4111 और राजद की रश्मि प्रकाश को 5099 वोट मिले हैं। 355 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग भी किया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पहला राउंड खत्म होने तक कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल लगभग 7000